स्मार्ट तरीके से काम करें, गधे की तरह काम नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से काम करना है और ऐसा काम करना जिसका आउटपुट अच्छा हो। इस प्रकार समझो, आप खूब पैसा कमा रहे हो और ऐसा आराम पर पूरा खर्चा कर रहे हो, सेविंग आपकी जीरो है, तो स्मार्ट तरीके से यह काम नहीं है। यदि आप सेविंग करते हो और वो सेविंग को भी आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहाँ से पैसा आता हो, आपकी मुख्य इनकम के अलावा दो चार जगह से भी इनकम आनी चाहिए। अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि वह अमीर बनते चले जाते हैं और गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं कि वह गरीब ही रहते हैं। यदि आप सोचते हैं कि अमीर कैसे बने, तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए ही है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी एक वीडियो लॉन्च किया है, उसको भी देख लेना, क्योंकि वह आपको अमीर बनने में बहुत ही मदद करेगा। वह वीडियो आई बटन में और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी देख सकते हो। दोस्तों, अमीर बनने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनमें से 10 ऐसी बातें हैं जिन पर यदि अमल किया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। टाइम पास करने वाले दोस्त इस वीडियो को कतई न देखें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, यदि आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन वाली बेल को नहीं दबाया है तो दबा देना, जिससे आप चैनल पर पोस्ट होने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। पहला, अमीर बनने का लक्ष्य सेट करें। दोस्तों, जब तक लक्ष्य सेट नहीं करते हैं तब तक अमीर बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। आपको क्या करना है, क्या बनना है, यह पहले ही तय करना है। साथ ही समय निर्धारित करना है कि कब तक लक्ष्य प्राप्त करना है। दिशाविहीन या लक्ष्य विहीन परिश्रम बेकार है, करते रहो, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसलिए सेट द टारगेट फर्स्ट, सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा, फाइनेंशियल नॉलेज। गोल या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ फाइनेंशियल यानी धन से संबंधित और उसके मैनेजमेंट से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी ले लेनी चाहिए। जैसे पैसों की बचत कैसे करें, पैसों से पैसा कैसे कमाएं, पैसे को कहाँ निवेश करें जिससे जल्दी और ज़्यादा से बढ़े, हमारे लिए क्या असेट्स है, क्या लायबिलिटी है। आपने घबराना नहीं है कि कहाँ से यह जानकारी मिलेगी। दोस्तों, YouTube पे बहुत सारी जानकारी भरे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। रिच डैड पूरा डैड को अवश्य पढ़ें या कुकू FM पर सुन सकते हैं। दोस्तों, इसका फ़ायदा यह होगा कि आप रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट को भली भांत समझ सकोगे। तीसरा, समय की कीमत समझें। दोस्तों, आप भली भांत जानते हो कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। हम खुश होते हैं कि आज का दिन तो निकल गया, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जीवन भी एक एक दिन कम हो रहा है। फिर जीवन के आखिरी पड़ाव में पछतावा होता है कि मैंने भी समय रहते यह काम कर लिया होता तो मैं और मेरे बच्चे भी अमीर बन गए होते। दोस्तों, एक कहावत भी है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज का काम कल पर कभी न टालें। एलियन मस्क अपने पूरे दिन को घंटों में डिवाइड करके काम करते हैं, घंटों को मिनटों में डिवाइड करके काम करते हैं। बिल गेट्स सुबह काम पर जाने में लेट ना हो जाए इसलिए शाम को ही जुराब पहनकर सोते हैं। चौथा, पैसे का सही जगह निवेश। पैसों का मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। दोस्तों, मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, बस जो पैसे आप कमा रहे हो उसमें कितना खर्च करना है और कितना बचाना है, बचे हुए पैसों को कहाँ कहाँ निवेश करना है और कितने समय के लिए करना है। ऐसे समझो, आपने 15 वर्ष के लिए निवेश किया है तो यह लंबा समय है। इसके अलावा आपका कुछ निवेश 5 साल और 10 साल के लिए भी हो, कुछ पैसा इमरजेंसी फंड में भी हो, यह आप अपनी सहूलियत और ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर समय के लिए कर सकते हो। निवेश में महंगाई दर का ध्यान रखें। आप SIP कर सकते हो, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश कर सकते हो।
या खुद का बिजनेस कर सकते हो। पांचवा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अमीर बनने की लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, जैसे 5, 15, 20, 25 या 30 साल। इस अवधि में आपका थोड़ा सा निवेश कई गुना रिटर्न देगा। उदाहरण के लिए, यदि आप 10,000 रुपये 10 साल के लिए और 12% रिटर्न पर जमा करते हो तो आपको लगभग 23,23,000 मिलेंगे। यही अमाउंट 15 साल के लिए यदि इन्वेस्ट करते हो तो 50,45,000 के तकरीबन मिलेंगे, और यही निवेश 20 साल में इतना ही निवेश 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए देगा। छठवां, रिस्क लेना सीखो। यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। यदि आप यह सोचते रहोगे कि घाटा या नुकसान ना हो जाए तो आप निवेश ही नहीं करोगे। निवेश नहीं करोगे तो कोई हाई रिटर्न कैसे मिलेगा। एलन मस्क, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी और अडानी ने रिस्क लिया और अमीर बने। दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सातवां, खुद पर भरोसा। दोस्तों, एक बार गोल, टारगेट, एम, लक्ष्य सेट कर लिया तो उसको अचीव करने के लिए अटक रहना है। लोग आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, आपको पागल कहेंगे, पागल समझेंगे, आपको उस काम को छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे और कहेंगे छोड़ो यार, आपके बस की बात नहीं है। ऐसी हालत में आपने अपने आप को मजबूत रखना होगा, दृढ़ विश्वास रखना होगा, खुद पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। सभी की सुनो लेकिन अपनी मन की करो। आठवां, पॉजिटिव सोच। हमेशा सकारात्मक सोच रखें और निगेटिविटी को तो नज़दीक नहीं आना चाहिए। आपको हमेशा पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ रहना चाहिए। आप जैसे काम करने वालों से बातचीत करें, सब्जेक्ट पर डिस्कस करें, नुकसान पर विचलित नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कभी भी नहीं सोचना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, मैं वो हर काम कर सकता हूँ जो अमीर लोग कर सकते हैं, इस संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नौवां, अपनी गलतियों से सीखो। दोस्तों, हमेशा याद रखो कि हम इंसान हैं और इंसान गलतियाँ तो करता ही है। यदि आप गलती नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में काम नहीं कर रहे हो। गलती करना ज़रूरी है लेकिन दोबारा गलती ना हो यह भी ज़रूरी है। स्मार्ट तरीके से काम करें, गधे की तरह काम नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से काम करना है और ऐसा काम करना जिसका आउटपुट अच्छा हो। इस प्रकार समझो, आप खूब पैसा कमा रहे हो और ऐसा आराम पर पूरा खर्चा कर रहे हो, सेविंग आपकी जीरो है, तो स्मार्ट तरीके से यह काम नहीं है। यदि आप सेविंग करते हो और वो सेविंग को भी आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहाँ से पैसा आता हो, आपकी मुख्य इनकम के अलावा 2-4 जगह से भी इनकम आनी चाहिए। आप उदाहरण समझिए, रमेश और महेश दो भाई हैं, वह प्रतिदिन मछली पकड़ते हैं। रमेश कुछ मछली पका कर खाता है और बाजार में 500 रुपये की बेचकर ऐसा आराम दौड़ा देता है, जबकि महेश घर पर बच्चों को भी खिलाता है और 500 रुपये की मछली बेच देता है और वह सेविंग करता है। अब तीसरे दिन रमेश के पास सेविंग जीरो है, जबकि महेश के पास 1500 रुपये सेविंग है। अब वह 500 रुपये का मछली पकड़ने का कांटा लाता है और एक लड़का हार कर लेता है 500 रुपये में, और 500 रुपये सेविंग करता है। इसी प्रकार हर चौथे दिन महेश एक लड़का हायर करता है, कांटा खरीदता है और सेविंग करता है। इस प्रकार महेश 10 लड़के हायर कर लेता है और हर दिन 5,000 रुपये कमाता है। महेश काम पर नहीं जाता है तो भी 5,000 रुपये आएंगे। यदि रमेश बीमार पड़ जाता है या काम पर नहीं जाता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। महेश ने स्मार्ट तरीके से काम किया है, न कि रमेश ने। दोस्तों,
बताई गई बातों पर यदि आपने ध्यान देकर अमल किया तो आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन वाली बेल को दबा देना। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी इसी प्रकार के वीडियो देख सकते हो। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।